मैं लौटकर हमारे जम्मू कश्मीर के ही उस मुद्दे पर आऊंगी जहां पर एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, और इसीलिए शुरुआत माजिद हैदरी साहब आपसे करूंगी, क्योंकि आखिरी मर्तबा जब आपकी हमारी डिबेट हुई थी तो आपने इस बात का वादा किया था कि एक एक कश्मीरी पंडित सुरक्षित रहेगा। मैं उन्हें इन्वाइट करता हूँ कि आए कश्मीर में हमारे साथ रहें। ऐसे साथ रहेंगे कि दफ्तर में घुसकर गोली मार दी जाएगी। माजिद भाई, देखिए रूपिका साहिबा, सबसे पहले तो आज हम इसे डिबेट ना कहें, आज हम इसे एक शोक सभा कहें, ताजियती मजलिस कहें, क्योंकि एक माँ का बेटा खोया है, एक बीवी ने अपना सुहाग खोया है, और बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी कश्मीर में हो गई है। और ये जो आदमी है ये केवल सरकारी मुलाजिम नहीं था, ये देखें, ये राहुल भट्ट साहब केवल सरकारी मुलाजिम नहीं थे, देश के सिपाही थे जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो वीरगति को प्राप्त हुए। हमें यह समझना होगा कि कल 5 घंटे जिस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उस देश का सरकारी कर्मचारी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर 5 घंटे तक वहां पे रोते हुए कश्मीरी पंडितों को पैसिफाई करने के लिए नहीं गए, डिपकॉम पी के पोले साहब। और उसके बाद आज क्या हुआ कि आज हमारे उस पंडित भाइयों पर जो ताजियतदार थे, जो शोक सभा में थे, उन पर आज डंडे बरसाए गए, टियर गैस चलाए गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है ये फेल हो गई है। मोदी जी का नाम, अमित शाह जी का नाम राजभवन की वजह से खराब हो रहा है। ये वो राजभवन है जब आपने दीपक चंद का नाम दिया जो टीचर अपने स्कूल में मारा गया था, उस दिन हमारे मनोज सिन्हा जी ने जश्न-ए-डल का इनॉग्रेशन किया था। और आज भी हमारी जो सरकार है वो सिर्फ म्यूजिक और डांस शोज के साथ बिजी है। सरकार की जो स्थिति है इतनी खराब है कि यहाँ हर रोज कोई ना कोई मरता है। आपने बडगाम की बात की, बडगाम में पिछले 10 हफ्तों में 5वीं टारगेट किलिंग है। मैडम क्या हो रहा है, जो ऑफिसर अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? मोदी जी की छवि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से होने गलत को मैंने इनवाइट किया खराब हो रही है। और माजी साहब, ऐसा नहीं है कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो गलत सवाल है। आज हम एक ही बात करेंगे कि यहां पे कोई ना मरे, ना कोई पंडित भाई मरे, ना कोई वो सवाल आरपी सिंह साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछूंगी, पर यहां बैठकर आप उन आतंकियों की मजम्मत कर पाएंगे जो कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ आतंक का अड्डा बना चुके हैं? माजिद भाई, मजम्मत कर पाएंगे उन आतंकियों की? आवाज आ रही है या अब आवाज आना बंद हो गई है? मैडम, आतंकियों का लक्ष्य हमारे देश में खराबी करना, लेकिन हमारी सरकार का काम है आतंक मुक्त रखना हमारे देश को। कश्मीर में आतंक बढ़ रहा है, पंजाब में आतंक वापस पनप रहा है, ये सरकार ने देखना है मैडम। लेकिन आज मैं किसी सरकार किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, अमित शाह जी के साथ हूँ कि कश्मीर की सरकार के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं मोदी जी, हर देशवासी हर मुसलमान हिंदू आपके साथ है। बट आज आप राजभवन के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन लीजिए, आपकी छवि खराब हो रही है। आरपी सिंह जी, हमारी सरकार की देश की छवि जम्मू कश्मीर की गलत पॉलिसी से खराब हो रही है, खराब हो रही है। आप मातम करने वाले पंडितों के झंडे बरसाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप उन आतंकियों की मजम्मत करेंगे? मोदी जी को कहना चाहता हूं, आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे जिन्होंने कश्मीर को रक्त रंजित करके अपना जो है मंसूबा पूरा करने की कोशिश की है? आप उनके बारे में कहने से क्यों बच रहे हैं? मेरा एक पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे है, और अब जो आप बातें कह रहे हैं उसका जवाब मैं आरपी सिंह साहब से ले लेती हूं। आरपी सिंह साहब, आपने कहा था हालात बदल जाएंगे, आपने कहा था 370 को खत्म किया जाएगा और वहां की बदहाली वो सूरत पूरी की पूरी तब्दील हो जाएगी, लेकिन एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना, ये क्या बता रहा? छोड़िए कश्मीरी पंडित, वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं उनको मारा जा रहा है। मुसलमान से आपने हलफ क्यों लेना होता है? आप किसी हिंदू से तो हलफ नहीं लेंगे आतंक पे? अब यहाँ हिंदू मुसलमान कहां से आ गया माजिद साहब? या हिंदुस्तानी बन के बात कीजिए। शुरुआत तो आपने इतनी बढ़िया की थी, मैंने कहा किसी को कि हिंदू है, मैंने कहा किसी को कि मुसलमान है, कहा मैंने माजिद भाई? आपने या हिंदू मुसलमान, आप क्यों हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं? आप देखिए उस आदमी को, या तो वो हिंदू विरोधी है, हिंदुस्तानी विरोधी है, या फिर वो हिंदुस्तान के पक्ष में आता है, हर बात बात पे आता है, हिंदू मुसलमान आ जाते हैं, नहीं है यहाँ कोई नहीं लाया हिंदू मुसलमान करने हमारे देश में, बिल्कुल वहां मर रहा है, वहां मर रहा है हिंदू, हर चीज में कौन मरा है मुझे ये बताइए, मरा हिंदू है ना? बिल्कुल मरा है कि नहीं मरा है? पूछा आपकी चीज सुशील पंडित जी से नहीं पूछेंगी? क्यों नहीं पूछूंगी मैं?
मर रहे हैं सुशील पंडित के मैं जब आपसे कहता हूं कि और आप चाहते हैं कि मैं सुशील पंडित से पूछूं कि सुशील पंडित बताओ कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, फिर भी क्योंकि मैं मुसलमान हूं आपको मुसलमानों से मोहब्बत करनी होगी। अरे ये कैसा आप सवाल कर रहे हैं, कोई नहीं होती मुझसे पूछने वाला। आज या तो हिंदुस्तान की बात होगी, मैं नहीं बताऊंगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। क्यों नहीं करेंगे आप आतंकियों की मजम्मत? और आपको किसने कहा कि आतंकियों का मसला जो है सिर्फ एक धर्म से आकर जुड़ा है? आप खुद ही अपनी बात को अब काट रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।